हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हफ्ते में एक बार केंद्रीय और राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के लाभार्थियों के साथ सीधा संवाद करने की अनूठी पहल की है। अब तक इससे पहले प्रदेश में ऐसे 10 कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने FPO यानी किसान उत्पादक समूह के किसानों से संवाद किया। इस दौरान CM ने FPO के पीछे का मकसद समझाया कि कई बार छोटे किसान अपनी फसल का ठीक से लाभ नहीं ले पाते, वो उसको सॉर्टिंग पैकेजिंग नहीं कर पाते और कई बार फसल जो है, खास करके फल हैं, सब्जियां हैं, जिन फसलों की जो आयु होती है बहुत कम होती है, 2 से 4 दिन तक अगर उपयोग न किया जाए तो खराब हो जाती हैं। इस प्रकार उनको सबको एक प्रकार से ठीक से उनकी स्टॉक करना और समय आने पर ठीक कीमत उनकी मिले उस समय उसको बेचना, और साथ ही एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के नाते उसका कुछ ना कुछ उत्पाद बनाना और फिर उसको बेचना, ऐसे समूह को एक साथ करने के लिए सरकार ने योजनाएं बनाई और FPOs के माध्यम से ये सब काम किया। प्रबंधन और विपणन अर्थात मार्केटिंग, इसका बहुत बड़ा एक आधुनिक जो तकनीक के माध्यम से काम करने का इसके पीछे की एक बैकग्राउंड है। तो जो किसान जागरूक प्रगतिशील, जिसको हम प्रोग्रेसिव फार्मर कहते हैं, उन्होंने मिल करके ये सब FPOs बनाए हैं। देश भर में 10,000 FPOs बनाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से मैंने बताया कि 731 FPO हरियाणा के किसानों ने इस योजना को अपनाते हुए बनाए हैं। मुख्यमंत्री ने आगे इस बात पर भी जोर दिया कि भविष्य के लिए पानी बचाने के लिए भी कोशिश करनी होगी। हमारे पानी की बहुत कमी है, तो हम जहाँ भी कोई अपने यहाँ खेती करते हैं, बागवानी करते हैं, सब्जियां बुआई करते हैं, तो उस पर जहाँ तक संभव हो सके खुली सिंचाई के बजाय माइक्रो इरिगेशन, टपका सिंचाई अथवा फुहारा सिंचाई, इससे अगर हम काम करेंगे तो इसका हमको एक बहुत बड़ा लाभ होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि संवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योजना के लाभ के अलावा भी नागरिकों से अन्य योजनाओं की धरातल पर क्रियान्वयन की स्थिति का फीडबैक लेते हैं। जनता भी मुख्यमंत्री की इस पहल का स्वागत कर रही है। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।